देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,80,000 के करीब पहुंच गया है और अब तक 23,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के हर रोज बढ़ते केस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चार्ट शेयर किया है। राहुल ने सवाल पूछते हुए लिखा कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत सही पोजीशन में है। राहुल गांधी ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें 7 दिन में सामने आ रहे केस के आधार पर अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच तुलना की गई है। इस चार्ट में भारत का ग्राफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। भारत से अधिक संक्रमण की रफ्तार अमेरिका में है, हालांकि साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड में स्थिति कंट्रोल में है। बता दें आपको कि दुनिया में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,30,00,000 को पार कर गया है। अब तक 5,71,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि अब तक 75,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 50,00,000 के करीब है। कोरोना के सबसे अधिक मामले अमेरिका में है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 34,00,000 से अधिक है, जिसमें 1,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहाँ 18,00,000 से अधिक केस है, जिसमें 72,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर भारत है, जहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 8,80,000 के करीब पहुंच गया है, जिसमें 23,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि 5,50,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 3,00,000 से अधिक है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।